20K में आपको मार्केट में भर भर के प्रोजेक्टर मिल जाएगा। लोग गलती क्या करते हैं कि कुछ भी आइटम पकड़ के घर ले आते हैं, फिर सर फोड़ते हैं कि भाई ये तो कुछ मजा नहीं आया। देखो भाई, आपके पास 20,000 के बजट है, इस बजट में आपको मस्त वाला प्रोजेक्टर मिल जाएगा। पर पहले जान तो लो 20K प्रोजेक्टर लेने से पहले कौन सी बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले प्रोजेक्टर का ब्राइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है, ताकि अगर आपके रूम में लाइट ऑन है तब भी आपको एंटरटेनमेंट मिलता रहे। एंड द सेकंड थिंग टू कंसीडर इज कॉन्ट्रास्ट रेशियो। कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज्यादा होने पर पिक्चर क्वालिटी में जान आ जाता है। थर्ड एंड आज के टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इज स्मार्टनेस। प्रोजेक्टर में वाईफाई हो तो मस्त है, लेकिन अगर एंड्रॉइड साथ में हो तो क्या ही बात है। फोर्थ एंड जरूरी थिंग्स टू कंसीडर इज द सर्विस। 2 साल बाद प्रोजेक्टर में मेंटेनेंस तो आना ही है, तो सर्विस के लिए अच्छा ऑप्शन भी तो चाहिए। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बेस्ट 4 प्रोजेक्टर चूज किया है। हमारा लिस्ट में फर्स्ट प्रोजेक्टर है बोर्सो BS28 Max। ये खास इसीलिए है क्योंकि इस पे नेटिव फुल HD रेजोल्यूशन है, मतलब ओरिजिनल क्वालिटी फुल HD रेजोल्यूशन। साथ में इसका ब्राइटनेस है 10,000 lumens और कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 20,000:1। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन से पिक्चर क्वालिटी बहुत ही प्यारा आने वाला है। और 10,000 का लुमेंस आप दिन में खिड़की खोल के और रात को लाइट ऑन करके कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें स्पेशल फीचर्स ऑटो फोकस, ऑटो क्यूशन करेक्शन एंड 4D क्यूशन करेक्शन, और ये फीचर्स आपकी जिंदगी बहुत आसान करने वाली है। और कनेक्टिविटी में ड्यूएल HDMI, ड्यूएल USB, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.1 और HDMI ARC का फैसिलिटीज भी दिया गया है। सबसे अच्छी बात जो आपको बहुत पसंद आएगा, दैट इज इसमें बिल्ट इन OS Android 9 है, जिसमें प्री इंस्टॉल हॉटस्टार या जियो सिनेमा है। और बाकी जो एप्स चाहिए आपको, आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आपके मनपसंद OTT प्लेटफॉर्म हो या आपके फेवरेट गेम। बस यही नहीं, इसमें छोटा सा एक स्पीकर भी दिया गया है 5W का। काम तो ये स्पीकर से चल जाएगा, लेकिन रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, आपको डेडिकेटेड स्पीकर लेना ही चाहिए क्योंकि आप थिएटर बना रहे हो अपने घर में। ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है मस्त वाला होम थिएटर्स के लिए। परफेक्ट एंटरटेनमेंट चाहते हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना। एंड द नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्टर इन आवर लिस्ट इज YEBO Pro V7। ये प्रोजेक्टर मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये आता है ब्राइटनेस ऑफ 12,000 lumens और इतना ब्राइटनेस इंडोर के लिए बहुत बढ़िया है। और इसका रेजोल्यूशन नेटिव फुल HD है, प्लस कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 15,000:1। तो इस प्रोजेक्टर में आप मूवीज एंड गेम्स दोनों का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी ऑप्शंस में ड्यूअल बैंड वाईफाई दिया गया है, ब्लूटूथ 5, HDMI एंड USB मिल जाएगा आपको, जिससे आपके सारे डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्टर का ब्राइटनेस बहुत अच्छा है, तो साथ में एक बुरी बात भी ये लेके आया है कि ये फुल्ली स्मार्ट प्रोजेक्टर नहीं है, थोड़ा मोड़ा स्मार्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ वाईफाई दिया गया है, एंड्रॉइड OS नहीं है। तो कंटेंट का एंजॉय करना है तो आप वाईफाई का यूज करके फोन का कंटेंट या लैपटॉप का कंटेंट को आप कास्ट कर सकते हो प्रोजेक्टर में, या तो आप एक Amazon Fire TV स्टिक ले सकते हो, तो आपका ये प्रोजेक्टर स्मार्ट बन जाएगा, वो भी फुल्ली। तो हमारा लिस्ट में थर्ड प्रोजेक्टर है EGATE V9 Zen। ये प्रोजेक्टर का खासियत है इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो, दैट इज 20,000:1। इसके अलावा ये आता है नेटिव फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में और ब्राइटनेस है 9,600 lumens। अगेन रेजोल्यूशन एंड ब्राइटनेस इज ऑसम, आप दिन में खिड़की खोल के और रात को लाइट ऑन करके कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इसके स्पेशल फीचर्स कमाल के हैं, ऑटो फोकस, ऑटो क्यूशन करेक्शन, ऑटो स्क्रीन फिट दिया गया है। जिनको नहीं पता, हम ऑटो क्यूशन बता देते हैं आपको। क्या होता है कि हर वक्त स्क्रीन और प्रोजेक्टर एकदम राइट एंगल में प्लेस नहीं होता है, तो जो इमेज बनता है वो भी एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर शेप का नहीं बनता है, तो उसको एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर शेप में बनाना आपके लिए सदर्द हो सकता है। तो ये काम ऑटो क्यूशन बड़ा आराम से कर लेता है। और कनेक्टिविटी में वो सारे ऑप्शंस है जो एक प्रोजेक्टर में होना चाहिए, प्लस ड्यूअल वाईफाई और ब्लूटूथ भी दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें ड्यूअल OS आता है, एक है एंड्रॉइड, दूसरा है Fire TV OS। अगर ये ले लिए तो आपके तो मजे ही मजे। और मैं बताना भूल गया, इसमें छोटा मोटा एक स्पीकर भी दिया गया है। हमारा फाइनल बेस्ट प्रोजेक्टर इज ZATCO Alpha X। ये प्रोजेक्टर इसीलिए मुझे पसंद है क्योंकि इसका रेजोल्यूशन है नेटिव फुल HD, प्लस ब्राइटनेस है 11,600 lumens और कॉन्ट्रास्ट रेशियो है 7,000:1, और इससे आपको कमाल का पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगा। और भाई, इसके स्पेशल फीचर्स तो गजब के है, फुल्ली ऑटोमेटिक, ऑटो फोकस, क्यूस्टोन, टिल्ट, स्क्रीन फिट, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, सब कुछ दिया गया है। और कनेक्टिविटी में आपको मिल जाएगा ड्यूअल बैंड वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1, HDMI ARC, USB, LAN का सपोर्ट भी दिया गया है। और ये LAN मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वाईफाई से बफरिंग का इशू रहता ही है थोड़ा बहुत। और ZATCO का भला हो, उसने स्पीकर दिया है लेकिन थोड़ा पावरफुल, दैट इज 10W, लेकिन देखे तो ये भी नन्ना मुन्ना का बड़ा भाई ही है। अगर आपके बजट थोड़ा और ज्यादा है, अराउंड 30K, तो आपको इससे भी बेहतर प्रोजेक्टर मिल सकता है। ये रहा पूरी वीडियो बेस्ट प्रोजेक्टर
अंडर 30 के। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में।